गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं संबंध महाविद्यालयों में बीकॉम संयुक्त प्रवेश परीक्षा रविवार को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित हुई। इस परीक्षा के लिए गोरखपुर में 10 तथा देवरिया में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। गोरखपुर में विश्वविद्यालय परिसर के कला संकाय भवन में 3, गृह विज्ञान विभाग मजेठिया भवन, विधि संकाय, हिंदी विभाग, शिक्षा शास्त्र विभाग तथा वाणिज्य विभाग के पुराने भवन और दिग्विजय नाथ महाविद्यालय को केंद्र बनाया गया, जबकि देवरिया में BRDPG कॉलेज तथा राजकीय इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया। बीकॉम प्रवेश परीक्षा सभी केंद्रों पर सुबह 9 बजे से 11:30 तक आयोजित हुई। प्रवेश परीक्षा में कुल 6,183 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें गोरखपुर परीक्षा केंद्रों पर 599 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे तो देवरिया के केंद्रों पर कुल 103 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में भारी संख्या में परीक्षार्थियों के छूटने से विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर कुछ देर के लिए जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन पुलिस और यातायात विभाग के सफल प्रयास से इस जाम को जल्द ही समाप्त कर दिया गया।